अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको डायग्राम शो हो रही है, जिसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड, जो कि ब्लड वेसल्स में मूव करता है, और पंपिंग ऑर्गन हार्ट, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स जो कि थर्ड कंपोनेंट है, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं, और ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी और फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अब हम लोग सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये आपको ब्लड की डायग्राम में शो हो रहा है। इसका जो वेट होता है वो 1/12 ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी होता है। बॉडी के 12वां हिस्सा होता है इसका वेट। प्लाज्मा जो है इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, जो कि 55% वॉल्यूम बनाता है ब्लड का, और बाकी रिमेनिंग 45% वॉल्यूम जो है वो ब्लड सेल्स ने बनाया होता है। प्लाज्मा की ये डायग्राम आपको शो हो रही है। ये येलोइश कलर में लिक्विड आपको शो हो रहा है, जो कि ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन की जाए तो उसके बाद प्लाज्मा और ब्लड सेल सेपरेट हो जाते हैं। ये आपको नीचे जो 45% रेड कलर में शो हो रहा है, ये ब्लड सेल्स हैं, जिसमें मेजरली रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये प्लाज्मा की डायग्राम है, जो कि 55% ब्लड का वॉल्यूम बनाता है, और इसके टू मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले वाटर, जो कि 90% कंपोनेंट है, और उसके बाद सलूट्स होते हैं, जो कि 6 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ये सलूट्स 10% बनाते हैं प्लाज्मा का वेट। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, हॉर्मोन्स और गैसेस। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल्स जो हैं, ये 0.9% प्लाज्मा का बनाते हैं, और ये अराउंड 1% बनता है। इसमें से मेजरली जो है वो 2/3% जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी जो मेजर मिनरल होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। उसके अलावा जो है वो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और दूसरे आयंस होते हैं, पोटाशियम वगैरह। अगर ये टोटल कंसेंट्रेशन 0.9% रहे, लेकिन इनमें से कोई एक मिनरल भी वेरी करे, तो वो भी सीरियस कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकता है। ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 है, और इसको नैरो रेंज में मेंटेन किया जाता है, ताकि रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म को जो है स्मूथली कंटिन्यू किया जाए। अगर पीएच में चेंज आएगा तो रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होंगे, जिससे लाइफ जो है उसको सीरियस जो इश्यूज हो सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो 7-9% ऑफ द वेट ऑफ प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो लीवर के अंदर सेंथिसाइज होती हैं, और इनमें जो सबसे पहली प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो बॉडी के डिफेंस का काम करते हैं। इनमें एंटीबॉडीज आती हैं, और एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजन्स को रिस्पॉन्ड करती हैं। एंटीजन्स के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेज आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, एलर्जेंस आ जाते हैं, या कोई भी फॉरेन एजेंट जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो तो ये एंटीबॉडीज उसको रिएक्ट करती हैं। सेकेंड जो है वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन्स के अंदर फर्दर दो प्रोटीन्स आती हैं, प्रोथ्रोम्बिन 1, जो कि क्लॉटिंग प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करती है, और दूसरी एक और प्रोटीन है जिसे फिब्रिनोजेन कहते हैं। ये सोलुबल प्रोटीन है, जो कि क्लॉटिंग के प्रोसेस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है और क्लॉट को सील कर देती है। फिब्रिन जो है वो इनसोलुबल है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी फ्यूल है बॉडी का, और ये एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अब हम सेकेंड नंबर पे फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, और इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट है। और मसल के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनता है, और ये मसल फटीग भी कॉज करता है। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टडी करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये भी लीवर के अंदर बनते हैं, और ये रिमूवल के लिए किडनीज में चले जाते हैं, और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू ये रिमूव हो जाते हैं। इन नाइट्रोजनस वेस्ट में थ्री इंपॉर्टेंट वेस्ट जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया है, और इसमें ह्यूमंस में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट है वो यूरिया है। उसके अलावा यूरिक एसिड भी स्मॉल अमाउंट में बनता है, और यूरिया जो है ये अमोनिया से ही बनता है थ्रू यूरिया साइकिल। इसके बाद जो है हार्मोन्स को हम डिस्कस करते हैं। हार्मोन्स भी जो है वो ब्लड के थ्रू कैरी किए जाते हैं, और डिफरेंट बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद गैसेस हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस भी प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, जो उसका स्मॉल वेट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसमें ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। इसके बाद हम लोग ब्लड सेल्स की बात को डिस्कस करते हैं, जो कि 45% ब्लड का वॉल्यूम बनाते हैं। ये आपको वाइट कलर में वाइट ब्लड सेल शो हो रहे हैं, और रेड कलर में रेड सेल शो हो रहे हैं, और ये पर्पल कलर में आपको जो फ्रेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये प्लेटलेट्स के हैं।
ब्लड सेल्स जो हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं जिसमें जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स आते हैं। इसके अलावा हम ब्लड सेल की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो के अंदर डेवलप होते हैं, और वहाँ पे हीमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, या हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल भी इसे कहते हैं। इससे आगे रेड स्टेम सेल बनता है जिससे रेड ब्लड सेल बनते हैं। इसी स्टेम सेल से जो है वो लिम्फोइड स्टेम सेल बनता है। लिम्फोइड स्टेम सेल से आगे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं, और इसी तरह इसी हीमोपोएटिक स्टेम सेल से आगे मैक्रोफेजेस भी डेवलप होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स जो हैं ये वाइट सेल्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह बॉडी के अंदर जो फेगोसाइट्स होते हैं वो भी हीमोपोएटिक स्टेम सेल से ही डेवलप होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं जिन्हें एरिथ्रोपॉइट्स कहते हैं, ये डायग्राम में आप बायकॉनकेव शेप के होते हैं, मोस्ट न्यूमरस सेल्स हैं ब्लड के, और ये 5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इन मेल्स और 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इन फीमेल्स होते हैं, और दे हैव न्यूक्लियस बिफोर दे कम टू ब्लड। ब्लड में आने के बाद ये अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर देते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 95% जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, और 5% जो है उसमें एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और अदर प्रोटीन्स होती हैं। वंस जब रेड ब्लड सेल मेच्योर हो जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर दिया होता है, और ये शॉर्ट बोन्स के रेड मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो दो किस्म का होता है, येलो मैरो, रेड मैरो। रेड मैरो के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, और शॉर्ट बोन्स में हम स्टर्नम, चेस्ट बोन की बात करते हैं, रिब्स आ जाती हैं, और इसमें वर्टिब्राज आ जाते हैं जो कि बैकबोन बनाते हैं। जब एक इंडिविजुअल यंग वन डेवलप हो रहा होता है तो लिवर और स्प्लीन के अंदर जो है ये डेवलप होते हैं रेड ब्लड सेल एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 4 मंथ्स होता है। इसके बाद नए तब तक नए रेड ब्लड सेल डेवलप होते हैं। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स को हम डिस्कस करते हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो लार्जर होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट मौजूद नहीं होता, और ये 7 to 8 थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर इन ब्लड होते हैं इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एवरेज, और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट पैथोजेंस। ये सेल्स न्यूक्लिएटेड हैं और इनकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। हम लोग पहले ये टाइप्स डिस्कस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनको अब हम लोग फर्दर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ग्रेन्यूलोसाइट्स आ जाते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स में हम लोग फिल्स को डिस्कस करते हैं। इनके न्यूक्लियस के 2 से 4 लोब होते हैं, ये रेड बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और 71 to 72% ऑफ द टोटल रेड ब्लड सेल ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, इओसिनोफिल्स आ जाते हैं और बेसोफिल्स आ जाते हैं। ये जो आपको ग्रेनुलेटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये जो है ग्रेन्यूलोसाइट्स कहलाते हैं। इसके बाद हम ए ग्रेन्यूलोसाइट्स को डिस्कस करते हैं। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, और इनमें यूजुअली सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, और उसमें लोब्स एज सच नहीं होते, और ये 28 to 29% ऑफ द टोटल वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, और इसमें मोनोसाइट्स आ जाते हैं और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आगे से दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जिनको हम इम्यूनिटी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दीज आर फॉर्म्ड इन द लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स में डेवलप होते हैं, स्प्लीन में डेवलप होते हैं, टॉन्सिल्स में डेवलप होते हैं, एडिनॉइड्स में और थाइमस में। इनको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे। मोनोसाइट्स जो हैं वो 10 to 20 आवर्स जो है ब्लड में स्टे करते हैं, वहाँ पे जो बॉडी को पैथोजन से बचाते हैं, और इसके बाद ये टिश्यूज में चले जाते हैं फॉर फर्दर फैगोसाइटिक एक्टिविटी, और वहाँ पे बैक्टीरिया को इनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मंथ्स और ईयर्स होता है, ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। अगर हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म को स्टडी करें तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेडर से। मैक्रोफेजेस जो हैं ये बेसिकली मोनोसाइट्स ही होते हैं जो कि टिश्यूज में जाके एनलार्ज हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये भी साइट ऑफ बाउंड पे जाते हैं और बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, और जब इनकी डेथ हो जाए फाइट के दौरान तो ये पस की फॉर्म में वहाँ पे इकट्ठे अकोमोडेट कर जाते हैं। पस की फॉर्म में, पस जो होती है वाइटिश कलर की, वो बेसिकली वाइट ब्लड सेल की डेथ से ही बनती है। बेजोफिल जो है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। दीज ऑल्सो प्रोड्यूस केमिकल्स लाइक हिस्टामिन। ये एक एलर्जिक केमिकल बनाते हैं जिसे हिस्टामिन कहते हैं, जो कि बेसिकली ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देता है डैमेज टिश्यू के अंदर। और इसी तरह जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो बेजोफिल के ऑपोजिट काम करते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन का मतलब यानी सूजन को इनएक्टिवेट कर देते हैं।
और लिम्फोसाइट्स जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और वो एंटीबॉडीज बनाने में काम देते हैं। इसके बाद हम लोग प्लेटलेट्स को डिस्कस करते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये बेसिकली सेल्स नहीं है, ये सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई पिगमेंट होता है यूजली, और ये कन्वर्ट करते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक सोलबल प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट के गिर्द ये जो फिब्रिन है ये एनमेश बनाती है और जिससे क्लॉट बन जाता है, और ये जो क्लॉट है ये सील कर देता है ब्लड को, लोथड़ा सा खून का बन जाता है। अब ये आगे आप देखते हैं थ्रोम्बोपोइटिन फ्रॉम किडनीज और एंड लिवर, और इसी तरह मेगा कैरियोसाइट जो है और ये जो सेल है इससे आगे से फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ये माइलॉयड स्टेम सेल जो कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल से ही बनता है, उससे आगे मेगा कैरियोसाइट बनता है और मेगा कैरियोसाइट से फ्रेगमेंट रिलीज होते हैं जो कि प्लेटलेट्स बनाते हैं। इसके बाद हम लोग फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने प्लेटलेट्स फॉर्मेशन भी डिस्कस कर ली, इसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो क्लोज होता है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो है वो इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए।